हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि एक ड्रॉ को कैसे बनाया जाता है। गाइस, ये वीडियो उन सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम या कोचेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक ड्रॉ को प्रॉपरली कैसे बनाएं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वी शुड स्टार्ट। गाइस, ड्रॉ को बनाने से पहले कुछ बातों का जानना ज़रूरी है, जैसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितने हैं, आपके मैचेस के ड्रॉ कितने नंबर्स के होंगे, आपके टोटल बायस कितनी होंगी और आपके टोटल मैचेस कितने होंगे। ये सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना होता है। ड्रॉ को किस टाइप से बनाना है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ बनाने के लिए 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब या 2 की पावर 4, इस वे में इस ड्रॉ का फॉर्मेट चलता है। जैसे या तो ड्रॉ 2 के बनेंगे या 4 के या 8 के, 16, 32, 64, ऐसे ही 2x2 के रेशियोज़ में ये ड्रॉ बनते रहते हैं। अब जितना आपका पार्टिसिपेशन है उसके अकॉर्डिंग इस ड्रॉ का फॉर्मेट सेट होता है। जैसे अगर 2 ही पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे सिर्फ फाइनल का ड्रॉ बनता है, अगर 4 है तो सेमीफाइनल, अगर 8 है तो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल से बनता है, ऐसे ही 16 फिर 32, ऐसे में आपके ड्रॉ यहाँ पे सेट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बायस को कैसे काउंट करें। सपोज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं तो हमारा जो ड्रॉ बनेगा वो 8 का ड्रॉ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 के पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके ड्रॉ के नंबर फिक्स होते हैं। तो पहले 2 की अगर हम पावर लगाते हैं और हमारा 4 होगा तो हमारे पास 5 प्लेयर है, तो 4 के ड्रॉ में उनको हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें नेक्स्ट ड्रॉ पर जाना पड़ेगा 8 के। तो हमें यहाँ पर 8-5 करना है, तो 8-5 तो यहाँ पे हमारे पास 3 वाइज होता है, तो यहाँ पे हमें टोटल 3 वाई देना पड़ेगा। अगर ऐसे ही आपके पास 11 प्लेयर है तो आप 16 के ड्रॉ में उस 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 वाइज आएंगे, तो इस 5 को आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेडिंग और बायस को कैसे प्लेस करना है। सबसे फर्स्ट अगर 4 के ड्रॉ की बात करें तो इसमें आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ही प्लेस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे आपको फर्स्ट सीड वाले को रखना है और सबसे लास्ट आपको सेकंड सीड वाले को रखना है। गाइस, यही चीज़ आपको हर एक ड्रॉ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट सीड को सबसे टॉप पे रखना है और सेकंड सीड को सबसे बॉटम पे रखना है। अब 8 ड्रॉ की बात करते हैं तो इसमें भी आपको फर्स्ट सीड को सबसे टॉप पे रखना है और सेकंड सीड को सबसे बॉटम पे रखना है। अब थर्ड फोर्थ का प्लेस कैसे करना है इसको भी जानते हैं। 8 के पूल पे आपको थर्ड नंबर पे 3 या 4 प्लेस को आप रख सकते हैं और फोर्थ प्लेस को आप यहाँ पे 6 नंबर पे रख सकते हैं। अब सेम बात करते हैं 16 के ड्रॉ की, तो इसमें फर्स्ट सीट को आपको सबसे टॉप पे रखना है और सेकंड सीट को सबसे बॉटम पे रखना है। थर्ड को आप यहाँ पे 5th पे रखें या 4th को आप यहाँ पे 5th पे रखें, ये आपका हर बार चेंज होता है क्योंकि थर्ड और फोर्थ प्लेस एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, और फोर्थ को आप यहाँ पे 12 नंबर पे रखते हैं। अब बात करते हैं कि बाय को आपको कैसे प्लेस करना है। गाइस, अगर आपके पास 4 बायस हैं और आपके टॉप 4 रैंकिंग प्लेयर हैं तो आप उन टॉप रैंकिंग को बाय देंगे सबसे फर्स्ट। अब अगर आपके पास 3 है तो आप 3rd या 4th में से किसी को बाय ना दे तब भी चलेगा, बट फर्स्ट और सेकंड को आपको बाय देना ज़रूरी है। अब अगर इसी टाइप से आपके पास 5 बायस हैं तो आपको यहाँ पे n-1/2 करके लोअर ड्रॉ के लिए बाय सेलेक्ट करना है और n+1/2 करके अपर हाफ के लिए बाय को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 का बनता है, तो आपको अपर हाफ में 3 वाइज देना है और लोअर हाफ में 2 वाइज देने हैं। अब गाइस, ड्रॉ को बनाने के लिए आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि सेम क्लब, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम ब्लॉक या सेम एरिया के पर्सन का फर्स्ट मैच ना हो, एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड राउंड के बाद ही उनका मैच आपस में होना चाहिए। अगर पहले राउंड में सेम डिस्ट्रिक्ट या सेम एरिया के लोगों का मैच होगा तो इससे आपके मैच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा और लोग नेक्स्ट टाइम आपके मैच में आने से भी सोचेंगे। आई होप गाइस, आपको ड्रॉ कैसे बनाना है, शेडिंग कैसे करनी है और बायस को कैसे प्लेस करना है, इससे आपको ये चीज़ तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टूर्नामेंट प्लानर रन करना आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेयर्स को ऐड करना होता है और शेडिंग देनी होती है, फिर आपको बस मैच को ड्रॉ करना होता है और ऑन द स्पॉट आपको विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड के अंदर पूरा ड्रॉ रेडी मिलता है, जिसमें ये सारे सेपरेशन बहुत ही इजीली हो जाता है।
तो अगर आप भी टूर्नामेंट प्लानर को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट करें, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे इसको बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि एक फेयर ड्रॉ आपको कैसे बनाना है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।